सिवनी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब दो सीट आपको आई थी अपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आपका जो वोट है अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खिसक चुका है। और आप लोगों ने जो चाल चली थी कि मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी वोट में हम कार्ड पैदा करें और जो भूमियार वोट में, उसमें आपको सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आपके आपकी जो सारे हथकंडे थे वो फेल कर गए। और उसमें कुर्नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई देता हूँ। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो दिन रात लगे इस चुनाव के अंदर केदार गुप्ता की जीत के लिए, उसके लिए मैं केदार गुप्ता जी को और कार्यकर्ताओं को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सर, कुर्नी के जैसे नतीजे आए हैं, तेजस्वी नीतीश दोनों मिल करके प्रचार के बड़े दावे किए गए, इस हार को कैसे देखते हैं आप? मैं हार और जीत को नहीं देख रहा हूं, दोनों नेता नहीं हैं, एक बड़ी आबादी के प्रतिनिधि हैं, एक बिहार के इतिहास को समेटे हैं और एक में बिहार को इतिहास बनाने की क्षमता लोग देख रहे हैं। अब दोनों को एक जगह आने के बाद भी वह सारी चीजें जो एक ताकत के रूप में इमर्ज करना चाहिए, शायद उसका ये प्राथमिक चरण अपने आप में सफल इस हद तक है कि इस देश के दंगाई उन्मादी किसी तरह से नफरत फैलाने वाले लोग उस बिहार की जनता की एकता को तोड़ने में बहुत हद तक सफल नहीं है। और आज का नतीजा केवल हार और जीत में, तो आप देखो कि किस तरह से वे ताकतें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, धन और दौलत की बदौलत जात पात और धर्म का उन्माद लेकर के उसकी प्रतिरोधक, अब दोनों को एक जगह आने के बाद भी वह सारी चीजें जो एक ताकत के रूप में इमर्ज करना चाहिए, शायद उसका ये प्राथमिक चरण अपने आप में सफल इस हद तक है कि इस देश के दंगाई उन्मादी किसी तरह से नफरत फैलाने वाले लोग उस बिहार की जनता की एकता को तोड़ने में बहुत हद तक सफल नहीं है। और आज का नतीजा केवल हार और जीत में, तो आप देखो कि किस तरह से वे ताकतें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, धन और दौलत की बदौलत जात पात और धर्म का उन्माद लेकर के उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी उभार पर है, अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदलने देने की ताकत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसी रूप में देख रहा हूँ, इसलिए जो आज जीत गए हैं बहुत प्रसन्न मत हों। और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, उदास और निराश मत हो, एक बड़े इतिहास के निर्माण से एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है उसमें तुम ही विजयी हो गए, इसलिए निराशा नहीं। और जो आज प्रसन्न हो रहे हैं, देश के सारे नतीजे बता रहे हैं, 3 राज्यों में जहाँ वे थे तहाँ वहाँ से 2 राज्य हार चुके, एक केवल कुढ़नी की बदौलत, निश्चित कुढ़नी अपने आप में चुनाव नहीं था, भारत के भविष्य के एक संकेत इस बिहार के लोगों ने देने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जरा संकेत जो देश देख रहा है, मुल्क देश की राजधानी में लोग हारे हैं, उस पहाड़
बर्फीले चोटियों पर हारे हैं। गुजरात जिसकी बदौलत देश में फैले थे उसको ये बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए टोटलिटी में दंगाई और उन्मादी और भाजपाई लोग परास्त के रास्ते पर हैं, थोड़ा सा बिहार में थोड़ा सा से दो तीन राउंड में हैं। बूथ कब्जे के आधार पर जो उनकी ताकतें हैं, धन दौलत और मसल्स पावर, उसी के आधार पर लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन कमजोर और गरीब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी हम लोग इस सारे विश्लेषण से मैं देख रहा हूँ। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।